एक समय की गल है, एक मोची अपनी पत्नी दे नाल रहिंदा सी। मोची अपने रोजगार दे लई रोज नवे जूते बनाउंदा अते बाजार विच वेचदा सी। पर इन्नी मेहनत दे बाद भी वह कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकिया। अपना घर बचाउण दे लई भी लड़ना पैंदा सी। आखिर वो दिन आ ही गया जदों उसके कोल नवे जूते बनाउण दे लई भी चमड़े खरीदन दे पैसे नहीं सी। सिर्फ एक टुकड़ा चमड़े दे अलावा उसकी दुकान विच कुछ भी नहीं बचा सी। ये शायद मेरा आखिरी मौका होएगा जूते बनाउण दा, पर मैं इस दे नाल सब तो वधिया जूता बना के दिखावांगा। हर रोज की तरह वो बह गया ते चमड़े नू कटना शुरू कर दिता अते फिर शाम होवण तक वो चमड़े नू कट लेंदा है और जूता बनाना शुरू कर देंदा है। रात दा वेला हो जांदा है, वो जूते नू मेज ते रखदा है अते कहंदा है, आज दे लई इन्ना काफी है, बाकी काम मैं कल करांगा। इन्ना कहण तों बाद वो दुकान दे दरवाजे नू बंद करके अपने घर चला जांदा है। अगले सवेरे वो जल्दी तैयार हो जांदा है अते अपनी पत्नी नू कहंदा है, शाम नू मिलदे हां, आज शायद आखिरी दिन है दुकान ते जाण दा, वेखने हां कि अग्गे की हुंदा है। फिकर ना करो, छेती ही कोई रास्ता निकल आएगा, कदे उम्मीद ना छड्डो। मोची जानदा सी उसकी उम्मीद दे नाल कुछ भी नहीं बदलेगा और मुस्कुरा कर अपनी पत्नी दे वल वेखता है अते काम ते चला जाता है। वो अपनी दुकान खोलता है अते कुछ अद्भुत वेखता है। एक जोड़ी चमकते हुए जूते जिस ते बहुत ही वधिया काम कीता गया है अते मेज ते पिया होया वेखता है। ओह, किवें हो गया? कोई गल नहीं, जो भी हो मैनू वक्त बर्बाद ना करके ए वधिया जूते बाजार विच वेचने चाहिए ने। वो बाजार दी तरफ तेजी नाल वधदा है और जूते वेच के जो पैसे आउंदे ने उस नाल होर चमड़ा खरीद लेंदा है। पूरे दिन दुकान ते बह के नवे चमड़े नू कटदा है ताकि नवे जूते बनाए जाण। जिवें ही दिन खत्म होंदा है वो घर चला जांदा है अते बाकी दा काम छड़ देंदा है। रात दे खाने दे समय वो आदी पत्नी नू आज दी कहानी दे बारे दसदा है। मैं कहा सी उम्मीद ना छड्डो, तुसी एक मेहनती आदमी हो, आज नहीं तां कल सानू वो जरूर मिलदा है जिस दे असी हकदार हुंदे हां। अगले दिन जदों वो दुकान ते पहुंचदा है ओनू बहुत सारे सुंदर जूतियां दी जोड़ियां मिलदियां हैं जिथे उसने पिछले दिन मेज ते चमड़े दे टुकड़े रखे हुए सी। ए तां कमाल है, मैं इन्ने साल तक मेहनत करता रहा पैसा कमाण दे लई, पर इन्ना तक कमा नहीं पाया सी, लगता है कोई मेरी मदद कर रहा है। वो दोबारा बाजार जाकर और चमड़ा खरीद लेता है। पिछले दिन दी तरह वो मेज ते बहुत सारे चमड़े कटदा है अते उत्थे ही छाड़ देता है। अगले सवेरे एक बारी फिर कई सारी जूतियां दी जोड़ी उसनू उड़ीक रही सी। इत्थे कई रंग दे सैंडल, बूट, बैलेट और जूते सी। ओह, शानदार जूते, कोई अनजान मेरी मदद पूरे दिल नाल करना चाहता है। अगर इंज ही चलता रहा तो सानू कदे पैसे दी कमी महसूस नहीं होवेगी और जिंदगी आराम नाल कटेगी। इसे तरह मोची अपना काम अधूरा छड़ जांदा सी अते ओ अनजान जादूगर उसनू पूरा करदा सी। इस तरह हफ्ता बीत गया अते मोची नू कई सारी जूतां दी जोड़ी मिलदी रही। छेती ही वो अपने पिंड दा एक मशहूर मोची बन गया अते उस दे कोल बहुत सारे पैसे भी आ गए सी। वेख्या साडा वक्त किद्दां बदल गया, ए सब समय दा चमत्कार है। हां, तुसी हर वक्त मेरा साथ दित्ता ने, तुहाडे बिना ए नहीं हो पांदा। हां, पर सानू उहनां नू नहीं भुलणा चाहीदा जिन्हां ने साडी मदद कीती है। सानू उहनां नू लभणा चाहीदा है ताकि असीं उहनां लई कुछ करके उहनां दा धन्नवाद कह सकीए। पर किवें, सवेरा हुण तो पहले ही वो चले जांदे ने। कल असी दुकान विच लुक के उन्हां दा इंतजार करांगे। हां, ए काम तां असी आसानी नाल कर सकदे हां। दूसरे दिन सवेरे मोची चमड़े कट के मेज ते रख देंदा है और शाम नू उसदी पत्नी भी आ जांदी है। चलो किते लुक जाने आ। हां, असी उस अलमारी दे पिछे लोग जाने हां। इसे तरह उदों वे अलमारी दे पिछे मेज दे वल वेखदे होए उड़ीक रहे सी।
अद्धी रात नू मोची और उसकी पत्नी ने सुनिया कि कोई सुरीली आवाज गुनगुना रहा है। आवाज सुन के दोवे अलमारी तू बाहर आके वेख दे ने। दो प्यारे बोने फटे हुए कपड़े पाए हुए खिड़की तू अंदर आंदे ने ते कमरे च पहुंच जाते ने। मोची ने इन्ना खुश बोना पहली बार वेख्या। वो बोने ता खुशी नाल नाच रहे सी और गा रहे सी। ला 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 ला। नाच गाना पूरा होने तो बाद वो मेज दे उत्ते बैठ के अपने जूते बनाने लगे। उन्होंने कटना सिलना रंग पाना ते सजाना शुरू करता। मोची ते उसकी पत्नी ने उन्होंने काम करते हुए बड़ी खुशी दे नाल वेखिया। मोची उन्हां दा हुनर वेख के हैरान रह गया। बोणिया ने अपना काम पूरा कर लिया अते खिड़की तो छाल मार के चले गए। ओह ए तां बोणे ने, ए तां हर रोज साडी मदद वास्ते आउंदे ने। सानू उन्हां दा धन्नवाद जरूर करना चाहिदा है। हां जरूर, पर असीं उन्हां दे लई की कर सकदे हां? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਦਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੋਚੀ ਨੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀਤੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਬੋਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪਜਾਮਾ ਸਿਲਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੋਚੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸਜਾਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਤੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਬੋਣੇ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੋਚੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਜੁੱਤੇ ਨੇ। ਰੰਗੀਨ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਚੀ ਨੇ ਸਾਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਉਹ ਬੋਣੇ ਉਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਨੱਚੀਏ ਵੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੱਚਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਮੋਚੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਨੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਚੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਓ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਚੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਣੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਕੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬੋਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਜੁੱਤੇ ਔਰ ਉਹੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ।